हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वीडियो नंबर 2 ऑन गोइंग चैप्टर चैप्टर नंबर 10 डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल्स। लास्ट इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ आवर चैप्टर एंड आल्सो वी हैव डिस्कस यूरोपियन इंपीरियलिज्म एंड नेटिव पीपल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नाउ टुडे वी हैव कंटिन्यू एंड टुडे वी हैव डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, द नेटिव पीपल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। टुडे कंपेरेटिव स्टडी बिटवीन अमेरिकन नेटिव्स एंड यूरोपियन नेटिव्स स्पेशली इन context to North America. To first point, to Europeans native were uncivilized, the nobles wage. ठीक है, अब बेटा जो Europeans लोग वहाँ पे natives आए वो अपने आप को या दे वर अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड का मीनिंग होता असभ्य। डैट मीन्स जिनके अपने कोई रिचुअल्स ना हो, कोई मेथड ना हो, कोई यू नो बिहेवियर में वो इतने यू नो परफेक्ट ना हो। डैट मीन्स कि उनका कोई अपना एक कल्चर, अपने कोई कस्टम्स, अपने कोई रीति रिवाज ना हो, दैट विल बी नोन हैज सिविलाइज्ड। तो सिविलाइज्ड इन द टर्म्स ऑफ लिटरेसी, रिलीजन्स एंड अर्बनिज्म। टू नेटिव्स द गोल्स दे एक्सचेंज विद द यूरोपियंस वर हैज अ गिफ्ट। सो टू यूरोपियन गिफ्ट वर द कमोडिटीज विच दे would sell for the profits and natives were not aware to the market also because उनको बाजार का कोई knowledge नहीं था बेटा। so the Europeans sold goods in the European market to the profit, natives were not happy with the greed of the Europeans. Slaughtered hundreds of the beavers of furs, natives were afraid that the animals would take revenge for these destructions. They killed wild animals to the protect farms and natives identified tracks invisible to the Europeans also. The European imaged and the forest to be the converted into the corn fields. Now expansions of USA. अब देखिए USA ने अपना expansion कैसे किया। So large areas were acquired by the purchase of Lusania. Lusinia को इन्होंने बेटा purchase किया 1803 के अंदर and France and Alaska 1867 फ्रॉम रशिया, वहाँ से इन्होंने बेटा उसको लिया। बाय वॉर मच ऑफ सदर्न यूएसए वॉज वन फ्रॉम मेक्सिको, तो मेक्सिको का बहुत सारा एरिया इन्होंने वॉर के अंदर जीता। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा स्लेवरी, यहाँ पे कैसे यू नो गुलामी या दास प्रथा थी बेटा। सो इन द स्लेवरी फर्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ द यूएसए, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर यूज्ड फॉर एंडिंग द स्लेवरी सिंस दे कमिटेड इट हैज़ इन ह्यूमन प्रैक्टिस। देखो बेटा यू नो नॉर्थ स्टेट्स जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे यूएसए के, वो इस बात को आर्ग्यू करती थी कि स्लेवरी या दास बनाना किसी को ये एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है, अमानवीय एक काम है, ये किसी ह्यूमन बींग के साथ ऐसा करें हम उसको अपना गुलाम बना के रखें, डैट इज़ नॉट गुड थिंग। सो द प्लांटेशन ऑनर्स, अब वहाँ पर जो बड़े बड़े बागान के मालिक थे जिनके पास बहुत सारा एरिया था, उस प्लांटेशन के अंदर काम करने के लिए उनको वर्कर्स चाहिए थे, ठीक है, लेबरर्स का नीड था। तो इसके लिए वो बेटे वहाँ से स्लेव को खरीद के परचेस करके ले आते थे और अपने यहाँ पे कम उनको देना, फिर उनको पेमेंट देना नहीं पड़ता था। डैट रीजंस यहाँ पे स्लेवरी एक यू नो बहुत ज़्यादा हाइप पे था, लोग बहुत ज़्यादा उसको स्लेव्स को परचेस करते थे। सो द प्लांटेशन ऑनर्स ऑफ द सदर्न स्टेट्स ब्रॉट द स्लेव्स इन अफ्रीका टू ब्रिंग यूएसए, तो ये बेटा अफ्रीका से यूएसए में लाए। प्रोटेस्ट बाय एंटी स्लेवरी ग्रुप्स, अब जो वहाँ पे बेटा एंटी स्लेवरी ग्रुप्स बने हुए थे उन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया एंड लीड टू द बैन ऑन द स्लेव ट्रेड, और जो दास व्यापार था यानी जो लोगों को एक दूसरे से बेचा जाता था या उनको स्लेव किया, स्लेव्स को जो ट्रेड किया जाता था या उसका बिजनेस किया जाता था उसको उन्होंने बंद किया, बैन किया उसमें बेटा। बट द अफ्रीकन्स हु वर इन द यूएसए रिमेन स्लेव्स हैज डिड देयर चिल्ड्रन आल्सो, बट जो अफ्रीकन्स थे वो अभी भी कर रहे थे। इन 1861 to 65 द सिविल वॉर, और बेटा वहाँ पे गृह युद्ध, सिविल वॉर डेट मीन्स होम जो अपने ही पर्टिकुलरली स्टेट के अंदर वॉर हो रहा है, ब्रोक आउट इन विच द नॉर्दर्न स्टेट्स वन टू अबॉलिश स्लेवरी, और फिर उसके बाद बेटा उसको बिल्कुल स्लेवरी को अबॉलिश बंद किया गया, प्रतिबंध किया गया। इट वॉज ओनली इन द 20th century, ये बिल्कुल 20th century की बात है, देन द अफ्रीकन अमेरिकन्स वन द बैटल्स ऑफ सिविल लिबर्टीज। नेक्स्ट पॉइंट, द नेटिव पीपल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका लूज देयर लैंड। अब कैसे नॉर्थ अमेरिका के नेटिव पीपल्स ने अपने लैंड को लूज किया, कैसे उन्होंने अपने लैंड्स के लिए यू नो फाइट नहीं किया। इन द यूएसए द नेटिव्स वर द फोर्स टू द मूव
by the singing treaties or the selling their lands. They were the cheated by the taking more land and paying less. The native were the deprived from their lands. अब उनको जबरदस्ती बेटा उनके लैंड से deprived किया गया. For example, Cherokee tribes in Georgia, ये एक you know tribes है बेटा Georgia की, was the governed by the state's laws but could not enjoy the rights of the citizens. और जो उनको basic fundamental rights होते हैं, जो human rights होते हैं बेटा, even वो भी उनको वहाँ पर नहीं दे रहे थे. The justice John Marshall, एक न्यायाधीश थे बेटा John Marshall, said the Cherokees were the distinct communities. एक distinct communities है जिसका एक अपना अलग culture होगा बेटा. Distinct culture communities का meaning उसके रहन सहन, उसके you know customs, traditional, there will be the change from other groups. Occupying its own territory in which law of Georgia had no force. US President Andrew Jackson refused to accept the Chief Justice's judgment. अब अमेरिका के बेटा जो प्रेसिडेंट थे, यूएसए प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन, उन्होंने ये जो जजमेंट था उनका, उसको मानने से इनकार कर दिया. ही ऑर्डर टू यूएस आर्मी टू इवेक्ट द चॉर्कीज फ्रॉम दियर लैंड. और उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि आप इन ट्राइब्स को, चॉर्कीज ट्राइब्स को यहाँ से, उनके लैंड से फोर्सफुली हटा दे बेटा. सो देवर ड्राइव आउट ऑफ द ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट्स. अबाउट द 15,000 पीपल्स वर फोर्सली मूव एंड ओवर द क्यूटर डाई अमंग ऑफ ट्रेल्स ऑफ टीयर्स. ठीक है, अब देखो जो ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट है, उस डेजर्ट के बाहर वहाँ तक उन लोगों को, लगभग 15,000 लोगों को ज़बरदस्ती फोर्सफुली वहाँ पर भेज दिया गया, और जिसके कारण बहुत से लोगों का डेथ हुआ बेटा. और ये जो इंसिडेंट हुआ वी नोन है टेर ऑफ टीयर्स. सो दोज हु ऑक्यूपाइड द लैंड्स ऑफ द ट्राइब्स कॉल द नेटिव्स हैज अ लेजी, नॉट स्किल्ड, नॉट लर्निंग इंग्लिश और द ड्रेसिंग प्रॉपरली, दे डिसर्व टू डाई आउट. सो दे वर concentrated into the small areas called the reservatives. There were the series of the rebellions from the 1865 to 1819. The US Army crushed all the revolts. So, and this, you know, look, we seen the native peoples of North America lose their land, you know, forcefully. उन्होंने अपनी इच्छा से बेटा उस लैंड को नहीं किया, but the forcefully US ने उनसे किया. So, thank you for watching this video.